के लिए बिरसा अम्बेडकर फूले स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जोहार और इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम साथी। साथियों, आज जैसा कि हम लोगों ने प्रोग्राम का टाइटल रखा है, ये एक म्यूजिकल रेजिस्टेंस का इवनिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक काउंटर कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ एक कल्चरल ग्रुप भी है उड़ीसा से, जिसका थोड़ी देर में हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। साथियों, मैं पहले कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसे हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जब काउंटर कल्चर की बात करते हैं तो इसे काउंटर कल्चर क्यों कह रहे हैं, ये कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं। हमारा ये जो समाज है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, यहाँ पे हमेशा जो छोटे छोटे कल्चर, जो माइनर कल्चर रहे हैं, जो दलित आदिवासी या ऑप्रेस सेक्शन जो गांव में रहते हैं, उन लोग के जो कल्चरल सेलिब्रेशन होते हैं, उन लोग का जो कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उसको मेन स्ट्रीम में कभी एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिला। उनको मेन स्ट्रीम में कभी वो रिकग्निशन नहीं दिया गया, और जिसकी वजह से आज भी ये सारे जो छोटे कल्चर है, इनको माइनर कल्चर के नाम से जाना जाता है। इवन दो हमारा जो दलित बहुजन समाज है वो प्रतिशत में ज्यादा है, परसेंटेज में ज्यादा है, फिर भी इस कल्चर को हम लोग माइनॉरिटी कल्चर बोल रहे हैं, बोल के जानते हैं, क्योंकि इसका मेन स्ट्रीम स्पेस में कोई जगह नहीं है। साथियों, आज हम लोग ये काउंटर कल्चर को सेलिब्रेट इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारा जो दलित बहुजन समाज का जो एक्सप्रेशन का तरीका है, जो म्यूजिक से, जो इंस्ट्रूमेंट से जो एक्सप्रेशन होता है, आज हम लोग यहाँ पे सबके सामने रख सके। हम लोग ये मेन स्ट्रीम में स्पेस बनाने का एक जरिया है हमारे लिए, ताकि हमारी आवाज, हमारे इश्यूज या हमारे आइडियोलॉजीज जो हम लोग तमाम तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज आज हम लोग अपने कल्चरल ट्रेडिशंस की तरह से रिप्रेजेंट करें। साथियों, हम लोग जो जेएनयू में एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आइडियोलॉजीज या आइडियाज एक्सप्रेस करने का तरीका अक्सर होता है स्लोगनियरिंग से, चाहे वो प्रोटेस्ट हो या मार्चेस हो। आज हम लोग चाह रहे हैं कि वो एक्सप्रेशन में हम लोग म्यूजिक के थ्रू अपना जो कम्युनिटी का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके थ्रू अपना एक्सप्रेशन दिखाएं। साथियों, मैं कुछ सब जेएनयू के बारे में कहूंगी। अभी इलेक्शन सीजन आ रहा है तो तमाम संगठन है वो लोग बहुत जोरों शोरों से बहुत प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बहुत पॉलिटिकल बातें हो रही हैं और कैंपस को एक तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। साथियों, हम देखते हैं कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, ये किस तरीके का हो रहा है। एक तो ये होता है कि यहाँ पे जो वामपंथी संगठन है हमारे जेएनयू कैंपस में, जो तमाम वामपंथी संगठन है, उनका एक ऐसा हमारा जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, जो अम्बेडकराइट डिस्कोर्स है, उसके टूवर्ड्स जो क्रिटिक आ रहा है, तरह तरह का क्रिटिक हो रहा है साथियों आजकल। जैसे कि अभी कल ही परसों ही SSS पे GBM हुआ था, और वहां पे कुछ SFI के साथियों ने कहा कि हम लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कास्टिस्ट हैं, हम लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं। साथियों, मैं इसके ऊपर कुछ बात रखना चाहूंगी। क्या कास्ट के बारे में बात करना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है? अगर वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है तो हाँ, हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कोई नो वन इज डिवाइड ऑन देयर आइडेंटिटी, सबका अपना अपना आइडेंटिटी है। और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, कोई पॉलिटिक्स करता है अपने प्रिविलेजेस को एक्सप्लोर करके, एक्सप्लॉइट करके, और हम अपना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपने राइट्स को एक्सप्लोर करके। और मुझे नहीं लगता कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना को हम लोग कास्टिस्ट बोल सकते हैं या हम लोग फंडामेंटलिस्ट बोल सकते हैं। चाहे कुछ प्रिविलेज सेक्शन से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम अपना सरनेम यूज नहीं करते हैं, हम लोग कास्ट के बियॉन्ड उठ गए हैं, मैं अपने कास्ट को नहीं मानता, अपने रिलीजन को नहीं मानता। साथियों, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, आप अपने प्रिविलेज को छोड़ के दिखाइए। आप जब अपने कास्ट को छोड़ रहे हैं, क्या अपने प्रिविलेजेस को भी छोड़ रहे हैं? डू यू एक्नॉलेज दैट यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज सेक्शन, एंड डू यू एक्नॉलेज द डिफरेंस दैट इज देयर बिटवीन द प्रिविलेज पर्सन एंड द अंडर प्रिविलेज पर्सन? साथियों, यहाँ पे हमारे जो वामपंथी संगठन है, वो लोग अक्सर ये भी क्लेम करते हैं, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जो लेफ्ट है वो अक्सर ये क्लेम करता है कि वो लोग हमारे जो ऑप्रेस सेक्शन है उनको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके संगठन में भी बहुत दलित समाज से, या OBC समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, सबसे बहुत सारे लोग हैं उनके संगठन में। साथियों, मैं पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, आप उनकी आवाज को सामने आने देते हैं कि नहीं? आप उनकी आवाज को सुनते हैं कि नहीं? और आप उनको अलाउ करते हैं उनकी आवाज को रखने के लिए, आवाज को उठाने के लिए, या नहीं? साथियों, ये रिप्रेजेंटेशन का पॉलिटिक्स आजकल राइट विंग भी सीख गया है, बीजेपी, जो बीजेपी सरकार है वो भी बहुत अच्छे से सीख गया है। तो वो लोग प्रेसिडेंट पे किसी दलित को रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में किसी OBC को रखेंगे, और वो लोग ये सोचेंगे कि जो तमाम दलित समाज है वो लोग बहुत खुश होंगे, जो तमाम OBC समाज है या ऑप्रेस सेक्शन है वो लोग बहुत खुश होंगे। साथियों, हम ऐसे पॉलिटिक्स, ऐसे रिप्रेजेंटेशन में बिलीव नहीं करते जहाँ पे आप किसी एक दलित को उठाकर किसी एक पोस्ट में रखते हैं, लेकिन आप पूरे दलित समाज की आवाज को दबाते हैं।
आ जाएगा तो हम लोग सब यूनाइटेड हो रहे हैं। साथियों ये लोग क्लेम करते हैं कि ये लोग एबीवीपी को आने से रोकेंगे, लेकिन कहाँ रोक पाए ये लोग? आप लोग पिछले एक साल में देखिए, चाहे वो नजीब का अटैक हो, चाहे वो यूजीसी गैजेट का आना हो कैंपस पे, ये सारे तमाम जो राइट विंग फोर्सेस का अटैक हो रहा है कैंपस में, ये हुआ है और होता आ रहा है, और इसको रोकने में हमारे ये लेफ्ट संगठनों ने कुछ नहीं किया। और साथियों मैं अब ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे सोसाइटी में जब से ऐसा नहीं कि ये राइट विंग फोर्सेस आज आए हैं, ये लोग बहुत पहले से हमारे समाज में काम कर रहे हैं, और अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में पावर में आई है तब से ये अटैक और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और हमें जरूरत है कि ये राइट विंग फोर्सेस को एक कड़ा जवाब देने का, और ये जवाब हम तब दे पाएंगे जब हम लोग ये यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस को इस कैंपस में लाएंगे और इस देश में लाएंगे। साथियों ये जो यूनिटी ऑफ ऑप्रेस है, ये हम कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूनिटी का बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई पावर स्ट्रगल का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तमाम जो ऑप्रेस सेक्शन के लोग हैं, वो लोग अपने अपने डिफरेंसेस को समझते हुए, अपने डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करते हुए साथ में आए, और साथ में इसलिए आए ताकि ये जो तमाम ऑप्रेस सेक्शन है जो हजारों सालों से ऑप्रेस होते आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, वो लोग को एक वॉइस मिले, वो लोग के राइट जो अब तक फुलफिल नहीं हुए थे वो राइट का वो लोग डिमांड रख सके और वो डिमांड फुलफिल हो सके। और ये डिमांड साथियों तमाम वो संगठन जो लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं उनसे नहीं हो सकता। ये काम तब हो सकता है जब हमारे समाज के तमाम ऑप्रेस लोग एक साथ आएंगे, एक ऑर्गेनिक यूनिटी के साथ काम करेंगे। वो ऑर्गेनिक यूनिटी चाहे कैंपस के अंदर हो या बाहर, वो ऑर्गेनिक यूनिटी जहाँ पे सब लोग अपने वॉइसेस ढूंढे और अपना पॉलिटिकल सोशल रिप्रेजेंटेशन लाए। और साथियों इसीलिए बक्सा बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन का ये जो अम्बेडकराइट डिस्कोर्स लाने का इंटेंशन है वो यही है कि कैंपस में अम्बेडकराइट डिस्कोर्स आए जो सोशल जस्टिस की बात करता है, जो इक्वालिटी की बात करता है, जो जेंडर जस्टिस की बात करता है, और जो बात करता है तमाम सोसाइटी के तमाम सेक्शन की इक्वालिटी की, एक साथ चलने की, और पावर में आने के ये जो डेमोक्रेसी की, सोशल डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक स्पेसेस की, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से हो, सोशल रिप्रेजेंटेशन से हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन हो हमारे कल्चर के द्वारा, हमारे कल्चरल ट्रेडिशन के द्वारा। साथियों आज हम लोग समय काफी हुआ है और हमारा प्रोग्राम आगे है, तो मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगी, इसी के साथ मैं बातें खत्म करती हूँ। और मैं एक बार से बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आप सबको जय भीम जोहार।